मैडम जी, मैडम मैडम जी, आपको गिफ्ट आया है। मैडम जी, आपको गिफ्ट आया है। मैडम जी, आपका गिफ्ट आया है। उठो। लाइट मैडम जी, आपको बहुत बड़ा गिफ्ट आया है। पहले मुझे गर्म पानी का एक ग्लास ला कर दो। अच्छा, ऐसे किसने बात किया? जानण ते हर कोई मर दे, जमाना सारा रिसकर दे। देखें, YouTube की तरफ से मुझे गिफ्ट आया है, क्या इसमें निकलता है? पेंट कैसे हैं? After all, सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, क्योंकि शाम का वक्त है और मेरी गुड मॉर्निंग भी है और इवनिंग। ओके, दिस मैसेज पानी पी पिएंगे फ्रेंड? आप भी पिया करें सुबह सुबह उठ के गर्म पानी, इससे बंदा मोटा नहीं होता। ज्यादा भी नहीं पीना, कमजोरी भी होती है। बेस्ट फ्रेंड ये तो है, तो यूट्यूब की तरफ से तो देखते हैं इसमें क्या है। वाओ, व्हाट अ सरप्राइज फ्रेंड जी। अभी तो इस पे एक शेर बनता है, पहले खोलने से, दिखाने से पहले आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतनी चाहत और मोहब्बत दी है, इस पर शेर तो बनता है ना। और ये गिफ्ट जो आया है अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आप भी सरप्राइज हो जाएंगे। कहते हैं ना, दोस्ती मौसम नहीं, जो अपनी मुद्दत पूरी करे और गुजर जाए। दोस्ती सावन नहीं, टूट कर बरसे और थम जाए। दोस्ती आग नहीं, सुन के भड़के और राख हो जाए। दोस्ती आफ्ताब नहीं, चमके और डूब जाए। दोस्ती फूल नहीं, खिले और मुरझा जाए। अरे भाई, दोस्ती तो सांस है, चले तो सब कुछ, जो रुक जाए तो कुछ भी नहीं। तो आप लोगों ने मुझे इतना सरप्राइज कर दिया है, ये सिर्फ आपकी मोहब्बत है, आपकी चाहत है, नहीं तो मैं कहाँ थी। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं आज भी कुछ नहीं हूँ, ये सब आपकी मेहरबानी है, आपकी मोहब्बत है। और वो कहते हैं ना कि आपसे जो चाहत करते हैं, आपसे जो मोहब्बत करते हैं, वो आपका सरमाया होते हैं। तो ये सारी खुशियाँ जो मुझे मिल रही हैं, ये आपकी तरफ से दी हुई हैं, ये आपकी तरफ से खुशियाँ दी हुई मुझे मिल रही हैं। जो मेरी मेहनत मैंने की है, उसका मुझे फल, उसका मुझे सिला मिल रहा है। पहले मुझे दो गिफ्ट आए, लेकिन उस टाइम मैं दिखा नहीं सकी, वो चांदी के थे और मैं टाइम नहीं था, फंक्शनों में बिजी थी। तो फिर मैंने अपने मूवी वाले शहबाज को, भाई सार को, उनको कहा था कि आप ही वो दिखा दें। और ये तो स्पेशल स्पेशल गिफ्ट है, और ये तो मैं आज खुद ही दिखाने वाली हूँ। और अच्छा हुआ शहबाज तुम ले आए। फ्रेंड जी, दिलों को थाम लें। जो मिस्टर प्राइस मुझे यूट्यूब की तरफ से आया है, जो आप लोगों ने इतने व्यूज़ और इतनी वीडियोस देखी हैं और इतनी ज़्यादा हमारे चैनल को ऊपर लेकर गए, इतने सब्सक्राइबर, उनका आज हमें सिला मिला है कि यूट्यूब ने पहले तो दो चांदी के हमें गिफ्ट किए, और आज ये देखिए गोल्ड का इतना बड़ा उन्होंने गिफ्ट किया हमें। व्हाट इज़ सरप्राइज फ्रेंड जी, ये देखिए यूट्यूब वाले ने भेजा है, और इस पर हमारा नाम भी पढ़ सकते हैं मेरे चैनल का, शाहीन स्टूडियो, देख लें। और ये गोल्ड का है, मैं तो बड़ी आज खुश हूँ फ्रेंड जी, सोई उठी हूँ और इतना अच्छा गिफ्ट मिला है, और मुझे आज और भी ट्रस्ट हो गया, और भी यकीन हो गया
कि आप सब मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। देख ले, अच्छा है ना, गोल्ड का है। इसको रैपर में से बाहर निकालो। हाँ, रैपर से भी निकालना चाहिए। ओ, इसमें तो आईना भी है, ये देखे। वाओ, नाइस है पेन, नाइस है ना गोल्ड। और पेन ऐसे ही स्पॉट करते रहें, ऐसे मोहब्बतें बांटते रहें मेरे साथ। हाँ, मुझे किसी ने कहा आप कहाँ रहती हो, मैंने कहा किसी से भी पूछ लो, कहीं भी जाकर देख लो, वहीं उनके जुबान पर बसती हूँ, किसी के दिल में बसती हूँ, किसी की सोच में बसती हूँ, किसी के ख्यालों में बसती हूँ, बस जहाँ देखोगे वहीं मुझे पाओगे। देखे ना फ्रेंड, ये देखें। थैंक यू फॉर ऑल माई फ्रेंड्स, माई फैंस, और जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं आप सबकी बेहद मशहूर हूँ। और मैं जितना शुक्रिया अदा करना चाहूँ उतना ही कम है कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतनी चाहत दी है, और उसके साथ साथ इतनी इज्जत दी है। थैंक यू ऑल फ्रेंड, दुआओं में याद रखिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। एक दिन डायमंड का गिफ्ट भी आएगा। पहले चांदी, फिर गोल्ड, अब डायमंड भी आएगा, और आपकी मोहब्बत और चाहत और साथ से आएगा। और आई ट्रस्ट यू के टाइम में आएगा, और वो मैं गले में पहनूंगी, ये तो सजा दूंगी ना, यादगिरी। और सच, हाँ ये तो मैंने पूछा नहीं, मैं कैसी लग रही हूँ। और ऐसे ही जो है ना, हंसते खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, परेशान बिल्कुल नहीं होना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, छोटी सी जिंदगी है, थोड़ी सी, इतनी सी जिंदगी है, उसमें परेशानी नहीं लेनी, दुख आएंगे गुजर जाएंगे, परेशानी आएगी गुजर जाएगी, मायूस नहीं होना, गुनाह है मायूस होना, हमेशा मुस्कुराते रहें और दूसरों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट लेके आए, किसी की दुख का जरिया ना बने, किसी की दिल आजारी का जरिया नहीं बनना, हमेशा दूसरों की खुशी का जरिया बनना है, दूसरों को इज्जत देनी है। अगर आप दूसरों को इज्जत देंगे तो आपको पलट कर भी इज्जत ही आएगी, अगर आप दूसरों को धोखा देंगे तो पलट कर भी धोखा ही आएगा। सो इसलिए हमेशा वो काम करना है जिससे दूसरों को राहत हो, दूसरों को सुकून मिले, दूसरों को खुशी मिले, आपकी ज़ात से, कभी भी आपकी ज़ात से किसी को परेशानी ना मिले। हम जो किसी को देंगे वही पलट कर आएगा, ज़मीन में अगर हम अनाज बोएंगे तो अनाज और गंदम ही वहाँ से आएगी, और अगर हम वहाँ पर कोई और चीज़, कोई सब्ज़ी, कोई और चीज़ बोएंगे तो वही चीज़ आएगी, ना कि कोई और चीज़ आएगी। सो इसलिए जो हम दूसरों को इज्जत देंगे तो फिर ज़ाहिर बात है हमें भी पलट कर इज्जत ही मिलेगी, दूसरों को हम खुशी देंगे तो हमें भी पलट कर खुशी ही मिलेगी। सो इसलिए दुआओं में याद रखिएगा, आपकी अपनी महक मलिक, ऐसे ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आपकी दी हुई है। और हाँ, सच मुझे तो याद आ गया, शुक्र है मैं भूल ही नहीं हूँ, के शहबाज जो अभी मुझे आंखें घूर के देख रहा है, आपको बता दूँ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और आगे सॉन्ग से वो शेयर करें। और फ्रेंड्स, सच मैं बताने वाली हूँ आपको, मेरा नया सॉन्ग आने वाला है, उस पर इतनी मेरी रिहर्सल हो रही है, रियाज जिसको कहते हैं, इतनी मेहनत हो रही है ना, और वो सब आपकी मोहब्बत के लिए लेकर आ रही हूँ। और वो जो सॉन्ग जल्दी आपको शहीन स्टूडियो पर देखने को मिलेगा, आपने ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, क्योंकि उस पर मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत है ना कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि महक क्या कर क्या रही है, क्या हो क्या गया है महक को, तो बहुत टफ है। तो मेरे जो कोरियोग्राफर हैं वो भी परेशान है, ऐसे बैठे हुए हैं कि महक तुमने कौन सा सॉन्ग चूज़ कर लिया है। लेकिन मैंने कहा सर ये मैंने करना है, तो इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आएगा, और जब एडिटिंग होगी ना उसकी,
तो शहबाज और जितने भी कैमरा मैन है सारे, इनको भी पता ले चलेगा कि कैसे इनकी जो है ना मिक्सिंग करनी है। पहले तो आसानी से हो जाती है। था थे या था थे ना था ना 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 था था था, था। तो इनको पता चलेगा तो आपको देखने का मजा आएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अच्छे अच्छे उसके व्यूज़ होने चाहिए, मुझे पता चले मेरी मेहनत रंग लेकर आई है। वैसे पहले भी आप मुझे सपोर्ट करते हैं। और क्या कहूँगा बस ऐसे मोहब्बत देते रहे। मैं आपकी मोहब्बत की तलबगार हूँ और आपकी तरफ से आने वाली इज्जत की तलबगार हूँ और हमेशा रहूँगी। ऐसे सपोर्ट करते रहें आपकी मैं दुआओं में, बातों में, सोच में, दिल में। याद रखिएगा, ठीक है ना? भूलना नहीं। सोना तेरे जिया बनाया बनाया।